हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सबुक्स कोटा लाइव। और आज के चैप्टर में जो हम करने वाले हैं वो है भाई मिक्सचर्स चैप्टर के दो सेक्शन, यानी कि ओलंपियाड लेवल पार्ट में दो ऐसे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि आपके अगली क्लास में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, राइट। तो अगर मान लो समहाउ कुछ ऐसा होता है कि यार इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन जो है ओलंपियाड्स में आ जाते हैं और आप लोगों को सॉल्व करने की इच्छा बन जाती है, तो आप डेफिनेटली आज की यानी कि अपनी सेवेंथ क्लास में भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगले साल के लिए ये प्रिपरेटरी टॉपिक्स होंगे जहां पर हम आज ही इन पे डिस्कशन कर लेंगे, राइट। और अगले साल जब आप इन टॉपिक्स को वापस से पढ़ेंगे तो आप लोगों को और मजा आएगा इन टॉपिक्स को कवर करने में। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है आकाश वर्मा और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की विद द वेरी फर्स्ट थिंग ऑफ द वीडियो, जहां पे मैं आप लोगों को मेरी टीम यानी कि टॉकिंग टेक्सटबुक्स की पूरी टीम से मुलाकात करवाता हूं और ये बताता हूं कि भाई ये टीम टीटीबी 2.0 का अनाउंसमेंट भी ऑलरेडी कर चुकी है और इन्हीं के साथ बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोग अभी तक कर रहे हो और आगे भी करते हुए चलोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे बात कर लेते हैं, ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 6 years एंड देन अ मेंटरशिप टू द स्टूडेंट्स ऑफ द बिग एंड रिनोन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा सिटी। उसके बाद टेलीग्राम एप्लीकेशन, अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो बेटा फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। ये कुछ ग्रुप्स हैं जो आप लोगों के लिए हमने बना रखे हैं। आगे बात करता हूं, अगर आप लोगों को हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आ गया है या आ रहा है तो प्लीज, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हो कि यार हमें ये मटेरियल खरीदना है, तो गाइज प्लीज विजिट दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्सटबुक्स, दैट इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर कुछ दो पैकेजेस आप लोगों के सामने बने हुए हैं। पैकेज का प्राइस इंक्रीज हुआ है, मगर सिर्फ और सिर्फ मेन स्टडी मटेरियल वाले पैकेज का प्राइस इंक्रीज हुआ है। टेस्ट सीरीज अभी भी उतने ही अमाउंट में आप लोगों को मिल रही है, थोड़े दिन बाद टेस्ट सीरीज का भी शायद तक प्राइसिंग इंक्रीज हो जाए। टिल देन आप लोग इसको अभी खरीद सकते हो, है ना, और फटाफट से जो है अपना नेक्स्ट ईयर का एनरोलमेंट भी करवा सकते हो। व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज यू नीड टू टाइप द कोड AK लाइव टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 30% इन ऑल द पैकेजेस व्हिच एवर यू वांट टू बाय। बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिए और अपना पेमेंट फाइनलाइज करने के बाद अपने पैकेज का अपने पास आने का वेट कीजिए। टिल देन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 और एल्स यू कैन टॉक टू मी। My numbers and my Telegram ID would be visible on the upcoming screens of the chapter. Till then, please remember कि ये हमारा regular ritual है, ये हमने प्रथा बना रखी है कि भाई हम आपको हर रोज promise करवाएंगे, which is I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that you guys can become a smart student. ठीक है, चलते हैं Olympiad level session की तरफ जो कि आज का main highlight होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं भाई साहब, आज हम करेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक डाइस एंड सॉरी विन डायग्राम एंड आपका कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर से मेरा नाम है, कैलेंडर वाला गाना आप लोगों को डेफिनेटली याद आता होगा, मगर अभी के लिए ये 5 क्वेश्चंस आप कर लेंगे अगर तो आपको विन डायग्राम का प्रैक्टिस पूरे तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फटाफट 30 seconds टाइम है आप लोगों के पास, 30 सेकंड का वक्त है, इसको जरा ध्यान से पढ़ो समझो और फिर बताओ कि भाई करना क्या है अपने को। चलिए वक्त पूरा हो चला है, क्वेश्चन क्या कहता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर्स आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यानी कि अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया तो आप सारी दुनिया जीत लेंगे वेन डायग्राम्स की, ठीक है। सो वेयर द ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट द डॉक्टर्स, यानी कि अब मुझे जो चीज याद रखने वाली है वो है कि ट्राइंगल्स मेरे डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स। Circle represent the players and rectangle represents the artist, ठीक है। तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखने में रहनी चाहिए। चलिए क्या क्या है, ट्राइंगल डॉक्टर है, सर्कल प्लेयर है और आर्टिस्ट जो है ये है। तो अब फटाफट से यहां पे पहले तो मार्क कर लो कि कौन क्या क्या है, है ना, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये कौन थे आर्टिस्ट, ये कौन थे डॉक्टर, ये कौन थे प्लेयर। अब आगे बात करते हैं,
विच नंबर्ड स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स हु आर आर्टिस्ट्स एज वेल। मतलब इसने ये कहा कि भाई ऐसे नंबर बताओ या ऐसा नंबर बताओ जो कि डॉक्टर्स तो हैं मगर डॉक्टर्स के साथ आर्टिस्ट भी हैं। ठीक है, ये एज वेल का मतलब है आर्टिस्ट भी हैं, मतलब दोनों कैटेगरीज में आते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार यार, ऐसे डॉक्टर्स जो कि आर्टिस्ट भी हैं। अब आपको क्या पार्ट देखना है, ऐसा पार्ट देखना है जो कि डॉक्टर्स और आर्टिस्ट का कॉमन हो। तो डॉक्टर्स और आर्टिस्ट्स का कॉमन पार्ट अगर मैं देखना चाहूं तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर्स कौन है, ट्रायंगल, एंड आर्टिस्ट कौन है, रेक्टेंगल, और दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये जिसको मैंने अभी अभी मार्किंग किया। तो आप ऑप्शन ए को अपना आंसर मान सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दूसरे तरीके से भी आ सकता है, क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हो सकता है आर्टिस्ट्स हु आर डॉक्टर्स। ठीक है, तो भी आप दो ही आंसर मार्क करोगे। चलिए, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट्स हु आर ऑल्सो प्लेयर्स ओनली। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज, ये आर्टिस्ट है, ये डॉक्टर है और ये प्लेयर है। अब आपसे क्या पूछा है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द आर्टिस्ट्स हु आर ऑल्सो प्लेयर्स ओनली। मतलब ओनली से मेरा मतलब क्या है कि भाई वो डॉक्टर्स नहीं है, क्या है, डॉक्टर्स नहीं है मगर आर्टिस्ट हैं और प्लेयर्स भी हैं। ऐसा नंबर बताओ जो आर्टिस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर्स का पार्ट नहीं है उसमें। ठीक है, तो आर्टिस्ट और प्लेयर्स वाली बात अगर मैं करता हूं तो प्लेयर का सर्कल कॉमन होना चाहिए विद द आर्टिस्ट वाला पार्ट, यानी कि रेक्टेंगल वाला पार्ट, राइट। सो ये लो भाई साहब, ओनली 6, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर आपसे ऐसा पूछता तब आप क्या करते हैं? तब भी आप यही अपना आंसर मार्क करते कि भाई तब भी मेरा आंसर यही रहेगा। ठीक है, क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर होगा भाई, अगर नहीं भी है तो भी नोट कर लो, है ना, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक इसको नोट करने के अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है भाई, चलिए बात कर लेते हैं आगे, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर रिप्रेजेंट प्लेयर्स हु आर नाइदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर्स। खेल गए भाई साहब, कैसे खेल गए, इन्होंने पूछा, तीनों नाम ले लिए, प्लेयर, आर्टिस्ट और डॉक्टर्स, मगर मुझे क्या बताना है, The numbers representing the players who are neither artists nor doctors. मतलब वो purely या solely सिर्फ और सिर्फ players हैं, उन्हीं का नाम मुझे बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ players हैं, मैं क्या करूंगा, ऑप्शन 7 पे आंसर मार्क कर दूंगा और यही मेरा आंसर गलत हो जाएगा। कुछ लोग 8 पे भी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, है ना, और उनका आंसर फिर भी गलत हो जाएगा। मगर मैं अगर क्वेश्चन को ध्यान से पूछूं या पढ़ूं तो रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स,
who are neither artists nor doctors. तो मतलब मेरा 7 और 8 दोनों इसमें काउंट होगा. दैट मीन्स 7 + 8 = आपका 15 आंसर आना चाहिए. दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ भाई? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. ठीक है ना, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which number represents the doctors who are neither players nor artists? फटाफट से बताओ यार. ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? Which number represents doctors who are neither players nor artists? यही क्वेश्चन हमने जस्ट अभी सॉल्व किया जहां पे हमने प्लेयर्स की बात करी थी, राइट? अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर पूछा है डॉक्टर्स के बारे में बताओ जो कि ना तो प्लेयर्स हैं नॉर आर्टिस्ट हैं. तो प्योरली या सोलली ऐसे लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टरी यानी कि अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे रहे हैं उनके बारे में बात करनी है हमें. तो डॉक्टर्स हमारे कौन थे? ये थे. तो अगर डॉक्टर्स हमारे ये थे तो इनके पार्टीशन वाले हिस्से को हम भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे. ओनली 3 हमें याद रखना है. दैट इज माई ऑप्शन बी. यानी कि ऑप्शन बी को मुझे याद रखना है और अपनी जिंदगी सुधार लेनी है. क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए. अगर फिर भी है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें. 5वें सवाल पे, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द प्लेयर्स हु आर नाइदर आर्टिस्ट नोर डॉक्टर्स. रिपीटेड क्वेश्चन है, टाइप 2 है सेम क्वेश्चन का. ऐसा ही क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था जहां पर आपने कंबाइंड वाले ऑप्शंस में कंफ्यूजन देखा था. तो दो टाइप से ये क्वेश्चन एक बार में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन एक और बार रखा है. भाई पहले उसने सम टोटल दिया था. क्या दिया था? पहले उसने सम टोटल दिया था. ठीक है, तो हमने कहा 15. अभी इन भाई साहब ने क्या करा? अभी इन भाई साहब ने हमें क्या है, पेयर दे दिया. क्या दिया? पेयर दे दिया या पेयर पूछ लिया. तो अब आप क्या करोगे? 7.8 इज माय आंसर टू दिस. ठीक है, नंबर रिप्रेजेंट्स द प्लेयर्स Who are neither artists nor doctors. तो players हमें पता था कि यही है ना? और अगर हमें players के बारे में पता था तो हमें यह भी पता है कि भाई 7 और 8 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ players हैं, ना तो वो doctors हैं ना artists हैं. ठीक है, artists वो definitely होंगे मगर अपने खेल में. तो सिर्फ playing वाले part पे अगर हम देखते हैं उनको तो 7.8 is my answer. It can also come as an option as 8.7 तो भी आप इसी को करेक्ट आंसर अपना बताएंगे क्योंकि पेयर पूछा हुआ है, राइट? तो पेयर आपने यहां बता दिया. चलिए, शैल वी मूव ऑन भाई साहब, कैलेंडर टेस्ट के क्वेश्चंस आ चुके हैं. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या करना चाहिए. जल्दी देख लो यार, क्या करना चाहिए तुम्हें. 1st of January 2008, जल्दी देखो. 1st of January 2008,
1st of January 2008 was what? ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा भी हुआ है. कहता है 1st of January 2008 was Tuesday. Which day on was on? ये फिर वही एरर कर दिया इन्होंने. Was on 31 of December 2008. बताओ भाई कैसे करोगे इस सवाल को. एक दिन दिया, एक दिन का दिन बताया और अब पूछ रहा है कि 31 ऑफ दिसंबर को कौन सा दिन होगा. तो इसके लिए यू नीड टू रिमेंबर दी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लेक्चर वन में बताई हुई है भाई, कैलेंडर की. ठीक है, कैलेंडर की प्रॉपर्टीज आपको दिया हुआ है. फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आपसे पूछ रहा है, लास्ट डे ऑफ द ईयर. अगर मुझे समहाउ यह पता चल जाए कि 2008 वाज अ लीप ईयर और नॉट, तो मैं बता सकता हूं कि लास्ट डे कौन सा था. ठीक है, लीप ईयर होगा तो भी बता दूंगा, नॉन लीप ईयर होगा तो भी बता दूंगा, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर हुआ तो भी बता दूंगा. ठीक है, बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ जनवरी 2008 वाज ट्यूसडे. ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट ऑफ जनवरी 2008 वाज ट्यूसडे. तो अब 2008 क्या कहलाता है? 2008 क्या कहलाता है? 2008 को सिंपली अगर मैं देखूं तो इज दिस अ सेंचुरी ईयर? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि मैंने ये हर बार कहा है कि लास्ट के दो जीरो आएंगे तब सेंचुरी ईयर होता है. तो 2008 को नॉर्मली मैं 4 से डिवाइड करके देख लेता हूं. 4 5 जो इज 20, 0 का 0, 4 2 जो इज 8, 4 2 जो इज 8. ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो 4 2 जो 8, 0 का 0, 4 5 जो 20, खत्म हो गया भाई. तो 2008 फुली डिविजिबल बाय, तो इसका मतलब दिस इज अ लीप ईयर, यानी कि ये एक लीप ईयर है. ठीक है, अगर लीप ईयर है तो इसका मतलब मेरे इस लीप ईयर के अंदर 366 डेज होंगे, और अगर 366 डेज हुए तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे के बीच में एक दिन एक्स्ट्रा का डिफरेंस आता है. तो अगर ये ट्यूसडे है तो ये मेरे हिसाब से वेंसडे होना चाहिए. ठीक है, मेरा आंसर आ गया. सो मैं ये इजीली कह सकता हूं कि 31st of December 2008 वाज वेंसडे. ठीक है, ठीक भाई, क्लियर है? फटाफट से लिख लो यार इसको. प्लीज नोट दिस. ठीक है, जल्दी नोट कर लो यार, फिर चलते हैं आगे. चलिए एक और ऐसा सवाल. 1st of January 2013 वॉज ट्यूजडे, विच डे इज ऑन 30th of December 2013. सॉल्व कर लो इसको यार, फटाफट से सॉल्व कर लो, फिर मुझे बताओ कि क्या करना है. फटाफट सॉल्व कर लो और फिर मुझे बताओ के की कोरबो. जल्दी बताओ यार क्या करना होगा अपने को. ये खेल जो चल रहा है ठाकुर, इसको कैसे खत्म करेंगे हम? चलिए जल्दी बताइए भाई क्या करना होगा हमें, क्या करना होगा हमें. समझ में आ गया ना क्वेश्चन तुम लोग को?
क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम देख लेते हैं। देखो भाई, 1st of January 2013 was Tuesday, डे वन के बारे में बता दिया, कौन सा दिन पूछ रहा है? आप क्या करोगे, 2013 divided by 4, ऐसा 2, 4, 5 जो 20 आपका, और उसके बाद ठीक है 4, 5 जो 20 हो गया आपके पास, और 13 में नहीं गया तो 0 लगा दिया, 13 में फिर नहीं गया तो ओ भाई साहब यो तो ना जा रो भाई, ना जा रो, ना जा रो, मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स इट इज अ ऑर्डिनरी ईयर, विच मीन्स यहां पर आपके 365 डेज ही होंगे, ठीक है? तो 365 डेज होने का मतलब मेरा फर्स्ट डे एंड लास्ट डे वुड बी सेम। तो मैं क्या करूंगा कि यहां लिख दूंगा ट्यूजडे और भाग जाऊंगा, और जैसे ही मैं ऐसा करता हूं मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्यों? ढंग से देखो, 30 दिसंबर 2013 पूछा हुआ है, 31 दिसंबर 2013 नहीं पूछा हुआ, ठीक है? तो लास्ट डे यही है, लास्ट डे यही है, लास्ट से एक पहला वाला पूछा है, तो आप यहां लिखेंगे दिस ब्यूटिफुल डे विल बी मंडे। सो 30th December will be Monday. Clear है? Clear है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो प्लीज बता दीजिए। 30th of December will be Monday. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, एक दिन पहले का पूछ लिया उन्होंने, और आप अगर कंफ्यूज रहते तो आप आंसर ट्यूजडे मार्क करके भागाते। 31st of December 2018 वाज मंडे, विच डे वुड बी ऑन 1st of January 2018, उल्टा 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 चाहे सीधा मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो एक ही चीज पता है, डिवाइड करो 18 से, उड़ा दो इधर से, 4, 5 जो 20 कर दो, 1 में नहीं गया 0 लगा दो, 4, 4 जो 16 कर दो, 2 बचेंगे, डॉट लगा दो, 4, 5 जो 20 कर दो, नॉट डिविजिबल। वापस से ऑर्डिनरी ईयर, दैट मीन्स अगर लास्ट डे क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, 31 दिसंबर 2018 वाज मंडे, तो इसका मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि 1st of January 2018 वुड बी मंडे एज वेल, ठीक है भाई? फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है ना नॉन लीप ईयर के अंदर, यानी कि रेगुलर ईयर्स के अंदर या ऑर्डिनरी ईयर्स के अंदर, तो हमने बता दिया देख के, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है ना, 1st of January 2018 was Monday as well, as it is a non-leap year या ordinary year, यहां पे आप लिख भी सकते हो चाहो तो, as 2018 is, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है ना, इट इज अ नाइस क्वेश्चन, बिकॉज इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है, बिकॉज इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है। राज बर्थडे इज ऑन 31st of December 2020, ठीक है? राज का बर्थडे 31st of December 2020 को है, विच वॉज थर्सडे, what date would it be if his birthday was on 2nd Friday
ऑफ द नेक्स्ट मंथ। भाई साहब मजे ले लिए, मजे ले लिए एकदम तरीके से। सेकेंड फ्राइडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बताओ बताओ भाई, कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या भाई? 31st of December 2020 की बात कर रहा है, तो 1st of January को 2021 हुआ और डे हुआ फ्री डे, ठीक है। तो अगर 1st of January 2021 वॉज फ्राइडे, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। या तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा लिख लूं, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे ऐसा लिख लूं, ठीक है। या फिर मुझे ये बताओ कि भाई हर फ्राइडे या हर दिन के बाद जब वापस दिन रिपीट होता है तो वो कितने दिन के गैप में होता है, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, देखो 1st of January 2021 वॉज फ्राइडे, तो उसके कितने दिन बाद अगला फ्राइडे आएगा, या तो ये मुझे बताओ या मुझे ये गिनती बताओ। दोनों चीजों से मैं कर सकता हूं। क्विक कैसे होगा कि मुझे ये पता हो कि भाई 2, 3, 4, 5, 6 हर सातवां दिन सेम डे होता है, तो हर सातवां दिन अगर सेम डे होता है तो मैं 1+7 अगर करता हूं तो 1+7 करने पर मुझे क्या मिलता है, 8th of January, ठीक है। तो 8th of January 2021 वॉज फ्राइडे, और हमसे यही पूछा है वॉट डेट वुड इट बी इफ हिज बर्थडे वॉज ऑन 2nd Friday ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दैट मीन्स 8 जनवरी को उन भाई साहब का बर्थडे होता अगर 2nd Friday ऑफ नेक्स्ट मंथ को उनका बर्थडे आता होता तो, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? मतलब इसमें परेशानी होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। 8 जनवरी 2021 अगला फ्राइडे आता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो हर 7 दिन के बाद आपका सेम डे रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो 1 में 7+ करोगे तो आपको मिलेगा आपका अगला फ्राइडे, दैट इज 8th of January 2021, ठीक है। और उसने यही पूछा था कि अब आप ये कह सकते हो कि अगर आज का बर्थडे 2nd Friday ऑफ नेक्स्ट मंथ को आता है तो 1st Friday वॉज ऑन 1st of January, उसमें 7 दिन प्लस करेंगे तो 8th of January 2021, तो अगला फ्राइडे था उस पे राज का बर्थडे आएगा। तो डेट आपसे जो पूछी थी वो थी 8th of January, ठीक है। चलिए एक और सवाल कर लो भाई। राम जी का बर्थडे पूछा हुआ है, राम जी का बर्थडे पूछा हुआ है। राम्स बर्थडे इज ऑन 29th of February 2040। भाई साहब कतनों फ्यूचर की बात कर ली भाई साहब, ठीक सर कोई बात नहीं। वेन विल हिज बर्थडे बी सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डेट? भाई बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है यार, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है यार। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग डेफिनेटली आंसर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। ऑल्दो बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे? 29th of February 2040 विच क्लियरली स्टेट्स दैट दिस ब्यूटिफुल ईयर वॉज अ लीप ईयर। और अगर मैं लीप ईयर की बात करता हूं तो इट कम्स कूल तो अगर इट कम्स इन एवरी 4 years तो दैट मींस इनका बर्थडे यानी कि राम भैया का बर्थडे
वुड ऑल्सो कम आफ्टर एवरी फोर ईयर्स. तो आगे के चार साल की बात कर लेते हैं. 29th ऑफ फेब्रुवरी वुड नेक्स्ट कम इन 2044. एज क्लियर एज दैट. सो दिस इज माई आंसर दैट दिस डे वुड बी द डे वेन हिज नेक्स्ट बर्थडे वुड बी सेलिब्रेटेड ऑन द सेम डेट. है ना, शुक्र मनाओ ईयर नहीं पूछा हुआ. सेम ईयर तो आता ही नहीं ना वापस. चलिए सेम ईयर पूछ लेता तो बोलते थे सर जिंदगी में कभी वापस नहीं कर पाएगा. कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. ठीक है चलिए. सो अगला सवाल एक और देख लेते हैं यार. फर्स्ट सैटरडे ऑफ मार्च 2021 वाज ऑन 6th ऑफ दैट मंथ. है ना, देखो बहुत इजी सवाल है यार ये तो. 6th मार्च 2021 वाज सैटरडे. ठीक है, व्हेन विल बी सेकंड सैटरडे ऑफ द सेम मंथ. फर्स्ट सैटरडे था ये, क्या था, फर्स्ट सैटरडे था. ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट सैटरडे था तो आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि सेकंड सैटरडे कब आएगा, सेकंड सैटरडे कब आएगा. क्या करना था, मैंने बताया था हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है, 7+ कर दो. तो 6+7 करोगे तो 13th मार्च 2021 will be calculate भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो. अगर आप चाहो तो कैलेंडर भी देख करके कर सकते हो, है ना. ठीक है ना भाई. आज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अभी 2 दिन पहले ही ये दिन निकला है, अभी 2 दिन पहले ही ये दिन निकला है. एंड 13th was आपका सैटरडे ओनली, है ना. ठीक है ना ब्रो. ठीक है, 6th मार्च 2021 जो फर्स्ट सैटरडे था तो सेकेंड सैटरडे एग्जैक्टली 7 दिन बाद आएगा, विच सेज 13th मार्च 2021. चलिए, सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहेंगे अगले क्लासेस में भी, यानी कि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी. ठीक है, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए. अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो और अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स कोटा लाइव सो दैट यू मे बी नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोज व्हिच एवर वी विल बी अपलोडिंग और वेयर एवर और व्हेन एवर वी विल बी कमिंग लाइव फॉर यू पीपल. टिल देन कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 7,000+ सब्सक्राइबर्स एंड कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिच एवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AK लाइव. थैंक यू.